जिसको सब पार्टियां पर बंद कर रही है, किसने आज बीजेपी का भारत चौंसी प्रेसिडेंट इलेक्शन वो गैर तो वो चल मगर तुमको कौर अस ओत बनो हाल हाल सोमी दावत अच्छी मे वो आज यो तो सू हिल लग भग रात उस डांगर पोर आज यो सू मे वो आ सो एम एल ए कहें आ सो मिनिस्टर कहें वो आ सो कहें मगर इस वे साद ये शहजा सबून आसन यल तुल मे लड़ाई रिशस सड़ाई मोहम्मद अकबर लोनस सड़ाई इम्तियाज परियस सड़ाई उस्मान मजीदस सड़ाई अपोशनस सूत यासिर सब तीतर सा वोट त्रा अस तेस यासिर सब कम त्रे सा तीतर सा वोट पे त्रे तम तार वार 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 यल दुम चीज रात कांग्रेस वो अख करा स्पीच दोपन बीजेपी कित पा ऐसा चाह यूर अलहमदिल्ला तो मैं जब से मैंने चार्ज संभालाया तो मुझे दो तीन दिन हो गए जो मैं डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम हर जगह जाएंगे और आज मुझे फर्स्ट मीटिंग था और फर्स्ट जॉइनिंग मुझे था इस डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में आज हमने आगाज़ किया हमारी टीम ने जो हमारी टीम इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा खान साहब है यहाँ मेहर साहब है अब्दुलरहमान ये मंजूर अहमद जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद यूसुफ साहब है शहजाद साहब है हमारी जो टीम इस वक्त है हमने स्टार्ट किया है जो सोनावारी की टीम है अब हम बांडीपुरा जाएंगे अब हम हर टाइम हर वक्त सब एरियाओं में जाएंगे आप देख रहे हैं कि आज तकरीबन हमने जो अच्छे वर्कर यहाँ पर थे बिलाल साहब था यहाँ पर हमारा जो सरपंच साहब था उसने आज ज्वाइन किया यहाँ पर बहुत लोगों ने आज बहुत अच्छे यूथ ने आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया तो पहली मीटिंग थी हमारी इंशाल्लाह आज से हम आगाज़ करेंगे ये आगाज़ तब तक रहेगा इंशाल्लाह जब तक हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में तीन सीटें हासिल करें अगर वो कह रहे हैं तो इस वक्त जो है आज आवाज दो हमारी टीम है मैंने इसीलिए नाम लिया ना मैंने नाम लिया मंजूर साहब सब है हमारी टीम जो है सोनावारी की अब डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में हम जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता है उनके पास भी जाएंगे तो आज हम देख रहे हैं आज हमने स्टार्ट किया है तो आज हम पीडीपी कांग्रेस और नेशनल सबसे आज ये कहना चाहते हैं कि आज से आप देख लीजिए कि जो हमारी टीम है कितनी स्ट्रांग टीम है और आने वाले टाइम में मैं इनको ये वादा देता हूँ आपसे जो कांग्रेस पीडीपी उनको मैं हम कहते हैं कि अपने जो बोरा बिस्तर है वो उठा के यहाँ से निकल जाए तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम यहाँ पर एक भूचाल अब बीजेपी का आ गया यहाँ पर उनका कोई रास्ता ही नहीं है कोई मकान नहीं है कोई जगह ही नहीं है।